That's not a bad effort. Hey, Ma, थोड़ा खाना दो। इसकी बोलने के अंदाज से तो ये नहीं लग रहा है कि भिखारी है। परफेक्शन में कमी है, इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। क्यों भाई, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? भीख मांग रहा हूँ। भीख ऐसे नहीं मांगते, मैं बताता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? शिवराम। देखो शिवराम, भीख मांगना भी एक कला है। फर्स्ट ऑफ ऑल भिखारी को फटे हल होना चाहिए। ये लो, कैच इट। लेसन नंबर वन, कटोरा लाओ। अब देखो, इस फटे चिथड़े कपड़े में लोग भूखा नंगा दरिद्र समान दिखते हैं, ऐसा परफेक्शन होना चाहिए। लेसन नंबर टू, आवाज ऐसी हो ओ मां, आवाज में थोड़ा कशिश ऐसा लगे कि इंसान काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, और आवाज सुनते ही लोग भर प्लेट खाना लाकर दे दें। खाना देखते ही तुम कुत्ते की तरह झपटना, समझे? बोलकर दिखाता हूँ। ओ मां, ओ मां, माँ तो ठीक है, दादी के पास मत जा। ओ मां, 50% ओके, ऐसे करेगा तो सीख जाएगा। देखो खाना आ गया। हे भगवान, क्या हुलिया बना रखा है आपने। परफेक्शन, कोई भी काम करना है परफेक्शन के साथ। तुम्हारे इस परफेक्शन से तो सब परेशान हो गए। परसों काम वाली तक काम छोड़कर चली गई है। परफेक्शन होना चाहिए। वो टॉयलेट साफ करने वाली को भी मैंने बताया कि कैसे साफ करो। परफेक्शन है। अब कुत्ते को भी जाकर बताओ कि टॉयलेट कैसे करते हैं। परफेक्शन के साथ। चुप रहा करो तुम। ये मैंने नहीं, उसने बोला है। अरे शिवराम, ये ले तेरा बैग। आपकी जो पागलपन के हरकतें हैं ना, उसे देखकर हम सब लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। परफेक्शन बहन, देखो अगर तुम में परफेक्शन नहीं होता तो जीजू के चले जाने के बाद उनकी फैक्ट्री कैसे संभालती? आखिर तुम संभाल रही हो ना। वो तो ठीक है, पर न्यूजीलैंड से मेरे बेटे का कोई फोन वोन आया था क्या? रात को तो उसने फोन किया था और सुबह तुमने फोन किया, अब फिर से क्यों फोन आएगा? वहाँ अकेले रह रहा है ना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा। देखो बहन, तुम्हारा बेटा बहुत भोला है, इसलिए उसके साथ मैंने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा है। मेरा बेटा हर काम में परफेक्शन लाता है। भैया मेरे बेटे को फोन करो ना। ठीक है। हेलो आंटी, मैं शिवा बोल रहा हूँ। राज कहाँ है? वो कॉलेज गया है। फिर तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? हॉलीडे है ना। उसका हॉलीडे नहीं है क्या? स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास मतलब? आंटी यही तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है, वो गर्लफ्रेंड से, नहीं बॉयफ्रेंड से। असल में जो आपने खाने के लिए जो जो चीजें भेजी ना, वो उधर ही खा रहा है और उधर ही रह रहा है, समझ गई ना आप? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या आंटी, मुझ पे भरोसा नहीं है? आपका बेटा इतना भोला नहीं है, वो अच्छों के लिए अच्छा है बुरों के लिए बुरा है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, वो हर चीज में नंबर वन है। ये क्या आंटी, आप बिना बताया कि? ओ, इतना सारा खाना बना के रख दिया, ये सब आज के लिए है ना? हे शिवा। मम्मी मम्मी। हाँ मम्मी, फिल्म देखकर आ रहा हूँ। अकेले? अकेला नहीं गया था, पार्टनर के साथ था। जानता है वो कौन है? अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन सिनेरिटा। तुझे देखा तो ये जाना। राज क्या है? वो बियर है। हाँ मुझे मालूम नहीं है क्या, शाम को सिनेरिटा। मम्मी हमारे कॉलेज के नाटक में टाइटेनिक फिल्म के हीरो ने जो किया वो गलत था, मैं ऐसा करूंगा कि ये क्या, अगर ये प्रोग्राम मम्मी देखती तो कितनी खुश होती। मम्मी मम्मी यहाँ आई, तुमने मुझे बताया नहीं, इडियट। आज मम्मी तुम कब आई? इवनिंग फ्लाइट से आई बेटा। अच्छा, ड्रामे के लिए बियर पीने की रिहर्सल कर रहा था। आई एम सॉरी मम्मी, ये घर में कुत्ते की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये कुत्ते की स्मेल नहीं है, बियर की स्मेल है। बियर? तो क्या अभी जो मैंने पिया वो कोल्ड ड्रिंक नहीं थी? थू थू। हाय सिनेरिटा। भैया अरे रिश्ता क्यों बदल रहा है? भाभी आ गई।
तुम लोग के बीच जो चल रहा है वो सब चलने दो, लेकिन घर के बाहर रखो। घर एक मंदिर होता है। This is a temple, you know? Go, you please go. Oh shit! अरे यार ये तो too much हो रहा है। अच्छा तो तू रोज मुझे कॉलेज भेजकर यहाँ ये सब करता है? अभी बताता हूँ। देखो मम्मी, ये यहाँ क्या करता है? ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। देख रहे हो आप इसे? और मम्मी अभी तो मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी इसके साथ बिगड़ जाऊंगा। इसी की वजह से लास्ट एग्जाम में मुझे कम मार्क्स मिलते, पर मुझे फाइनल में अच्छे मार्क्स आने हैं। तो क्या तुम दोनों अलग होना चाहते हो? इसके साथ नहीं रहना मुझे। तो मैं अभी टिकट मंगाती हूँ। हाँ मंगा लो। और हम दोनों इंडिया चले जाते हैं। चले जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत होशियारी मार रखता है। चलो इंडिया। इंडिया बेबी। hey. क्या हाइट है बाबा? मैं तो टाइट हो गया बाबा। क्या रे, जिस लड़की को हम लोग लाइन मार रहे हैं उसी को तुम लोग भी लाइन मार रहे हो क्या? hey, handsome, हम लोग किसी पर लाइन नहीं मार रहे हैं, ना ही कोई हमारी लाइन में आता है। हम तो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। हम किसी को लाइन नहीं मार रहे थे, हम आपको लाइन मार रहे थे। अरे बाबा क्या बॉडी है, क्या बात है, क्या बॉडी है। हाय। काश मैं तकलीफ होता तो मेरे बालों से चिपका होता। अगर मैं सैंडल होता तो तेरे पैरों से चिपका होता। अगर मैं शर्ट होता तो तुम्हारे बदन से लिपट जाता। यू नॉट। ये तो आउट हो गई। तू इंडिया में भी शुरू हो गया, मतलब यहाँ भी सब जीरो ही आएगा। मैं भूल गया यार, तू तो राजकुमार है, तेरे को भी चाहिए क्या? तू यहीं खड़ा रहे, मैं तेरे लिए दो तीन लड़के लेके आता हूँ। बाबा साइकिल, साइकिल बाबा। लड़का तो एकदम चाकू की तरह है। फिर वेट क्यों कर रहा है? ये क्या कर रहा है? कुछ गड़बड़ है, भाग ले बेटा। वेलकम ऑल फ्रेशर्स। हाय हैंडसम। हाय क्यूटी। मैं इस कॉलेज की लड़कियों की लीडर हूं और अभी क्लास शुरू होने में पूरा आधा घंटा है, सो लेट्स एंजॉय। माइक लो। सुनो मेरी बात, सुनो, मेरे कॉलेज में ये सब शोर शराबा नहीं चलेगा। मैं स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हूँ, जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसी की जेब कट गई क्या? किसने कमेंट किया? अगर मुझे पता चला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ध्यान से सुन लो, जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। इसी पोजीशन में रहना, मजा आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तुम लोग को नहाए हुए कितने दिन हुए? सेंट मार के तो आए हम लोग। सेंट और पसीने की बदबू मिक्स हो के आ रही है। ऐसे कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा? तुम लोगों के लिए ये एक पनिशमेंट है जिसे तुम पूरे साल भूल नहीं पाओगे। लगता है ये राज की बात है। इसमें क्या राज है? राज नहीं, आपकी ड्रेस, एक बार नीचे देख लीजिए सर। नो, मैं नीचे और पीछे कभी नहीं देखता। चाहो तो तुम देख लो। तब से तो हम लोग वही देख रहे हैं। मैं भी देख रहा था। ए हीरो, तू ही मेरा हीरो। मैंने तुम लोगों को मना किया ना, मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? बाबा सहगल। सहगल बाबा, ये कैसा विचित्र नाम है, कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए सर, आपको पता चल जाएगा। ये दोनों पलके क्यों नहीं झपका रहे हैं? मेरा फेस इतना सुंदर है क्या कि इन लोगों की नजर ही नहीं आ रही? फेस देखकर नहीं, घुटने को ऊपर का देखकर। सब लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? सर तो इसे जानबूझकर पहनकर आए हैं, है ना सर? हाँ, ठीक है। पैंट के अंदर पहनोगे तो मैन है, पैंट के ऊपर पहनोगे तो सुपरमैन है। अगर सर पैंट नहीं पहन के आएंगे तो क्या जेंटलमैन है? सर सुपरमैन की तरह दिख रहे हैं लेकिन वो है जेंटलमैन। मैं सही कह रहा हूँ ना सर? बोलिए ना सर। सर बंदर की तरह दिख रहे हैं लेकिन वो ऐसे है नहीं। सही कह रहा हूँ ना सर? बोलिए ना सर। बिल्कुल। और वैसे भी अच्छा, तुम मेरे बारे में जो भी सोच रहे हो वो अकेले में बता देना, मैं कंप्यूटर में फीड कर लूंगा। स्टूडेंट्स गो टू योर क्लास ऑल ऑफ यू। गुस्सा क्यों आया? टकराया इसलिए या शर्माया इसलिए? शट अप, कॉमन सेंस नहीं है।
इसको कॉमन सेंस नहीं है पर टाइम सेंस है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आया। अरे कुछ नहीं यार, फैमिली मैटर पर बात कर रहे थे। व्हाट शिट, तुझे कह रही है। ओह लायर, ये भी तेरे लिए। दिस इज रिडिकुलस। आई वोंट केयर यू अबाउट, आई वोंट किल यू। मुझे मारने का दिल कर रहा है ना। सॉरी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको धक्का दिया, तो आप भी मुझे धक्का दे दो, हिसाब बराबर। अपने आप को स्मार्ट समझते हो क्या? थैंक यू, मुझे अपनी तारीफ पसंद है, शर्म आती है। तुम्हें शर्म आ रही है पर मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे धक्का लग गया, इसके लिए मैंने सॉरी बोला ना, तुमने मेरी तारीफ की तो मैं शर्माया ना, अब मैं क्या करूँ? तू चुप कर, तुम्हें अपने बाहों में भर लूँ? अगर तू चल, तुम्हें अपने बाहों में भर के पूरे कॉलेज ग्राउंड में राउंड लगाऊँ? हाँ आओ, मैं करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। राज कूल डाउन यार, कूल डाउन, से सॉरी। सॉरी बोल दूँ? हाँ पक्का? चल बोल देता हूँ। चल बोल दे। सॉरी आंटी। आंटी यू, प्रिंसिपल आ गया। तुमने तो अपने कैप पे लिख कर रखा है, इसलिए मैंने दबा दिया, मुझे लगा अर्जेंट होगा। कुकु, कुकु। यू हियर? अरे तुम्हारा भी यही क्लास है क्या? अगर तुम पहले बता देते तो तुम्हारे साथ ही आता। साथ में आते, हम दोनों फ्रेंड हैं क्या? नहीं है तो हो जाएंगे। ओके ये मेरा नाम राजकुमार है, जो मेरा फ्रेंड बनना चाहता है या जो मेरे करीब आना चाहता है वो मुझे राज बुलाते हैं। मेरा नाम शिवानी है। अच्छा, मैं तो समझा ये था। यू मी, हाउ डेयर। मैडम आ रही है। गुलाब तो आ गया पर उसका पेड़ कहाँ है? गुलाब का फूल है? नहीं नहीं, ब्लैक फ्लावर है। चुप कर, ये कोतमीर है बाबा। कड़ी पत्ता कोतमीर नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी मैडम का बाल है। बाल क्या मस्त दिख रही है। यू आर सो ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू हैंडसम। सच में यार तुम भी बहुत हैंडसम हो। कितना? इतने। What happened? रो क्यों रहे हो? हो क्या गया इसे? इसका पेन किसी ने चुरा लिया है मैम। क्या क्या? ये क्या एलिमेंट्री स्कूल है? मैं तुम्हें लाके दूंगी, ऐसे मत रो। वो कोई मामूली पेन नहीं था मैम, इसके दादा ने इसके बाप को दिया था और इसके बाप ने इसको दिया था और अब वो पेन चोरी हो गया है ना? लगता है वो बहुत ही ऐतिहासिक पेन था, मगर किसने निकाला? यहाँ पर कोई भी चीज गायब होती है ना तो इन दोनों के पास मिलती है। ए बाबा, क्या हम लोग तुमको चोर नजर आते हैं? नहीं शक है तो हाथ डालकर चेक कर लो ना। जानबूझकर कोई सांप के बिल में हाथ डालता है तो हम लोग ही ढूंढते हैं। ओफो, ऐसे मत रो। क्या तुम्हें किसी पर डाउट है हैंडसम? डाउट? अभी तूने कहा था ना कि तूने पेन शिवानी को बैग में डालते हुए देखा। तो क्या मैंने पेन चोरी की? डाउट है तो चेक कर लो। मैडम, अब तक लोग हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, अब हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक कर लो। मन डोले रे मेरा, तन डोले रे मेरा, दिल का गया करा, कौन बजाए बांसुरिया। शिवानी अब तो तुम्हारा काम हो गया। देखो बैग में क्या है। सिगरेट का पैकेट। अगर तुम्हें इसकी हैबिट है तो बाथरूम में पीना चाहिए, ऐसे कॉलेज में नहीं लाना चाहिए। मैडम ये ऐसा ही करती है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। मानिक चंद, रोज कितने पैकेट खाती हो? 100। इतने खाओगी तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। क्या आएगा एनाकोंडा? नेक्स्ट आइटम क्या है? निरोध। क्यों फिर से मेरा बंदर का फोटो बनाओगी? सॉरी बोलो। ओके, ये क्या हाथ में कुछ नरम नरम लग रहा है? रुको प्लीज, और मत निकालना। मैडम वो पेन मैंने ही ली थी। तुमने लिया? शिवानी दे दो इसे। सॉरी मैडम, गुम हो गई मेरे से। सिर्फ तुम ही नहीं, इस वक्त सारी लड़कियों को हमें सॉरी बोलना होगा। यू माय फुट, हम लोग तुम्हें बायकॉट करते हैं। चलो तुम लोग दोस्त करते रहोगे। लगता है कारपेंटर अच्छा काम करके चला गया है, सब छोटे काम कर गया। अरे सर चुप बैठो ना, मैंने क्या बोला था वो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तुम्हें तो भूलने की आदत है, वो सब तो रूटीन में है ना।
तुम तब तक उसे याद करो, मैं बैठकर चाय पीता हूँ। याद आ क्या गया? याद आ गया? यही कि मैं क्या कहने जा रही थी? क्या कहने जा रही यही थी? यही कहने जा रही थी कि इस कुर्सी पे बैठोगे तो गिर जाओगे। क्या हो गया मामा जी? तुम्हारे मामी के भूलने की आदत से मुझे एक दिन बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुझे क्या भुलक कर समझते हो? उस दिन शिवानी का मनी ऑर्डर आया था तो उसे क्या मैं देना भूल गई थी? मनी ऑर्डर? ये तो पागल है। तुम्हारे लिए फैक्स लेटर आया था, 3 दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस का लेटर? मामी दीजिए ना प्लीज। दीजिए ना प्लीज, प्लीज मेरी अच्छी मामी दीजिए ना। बंसी। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, मीट मी ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके। Come on. Oh, quick, quick. Hey. Hi, Bansi. Oh, लगता है गुस्से में हो। तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या? कुछ ज्यादा गुस्से में हो? अभी तुझे बताती हूँ। खून! क्या हो गया शिवानी? तीन दिन से मुझसे बात नहीं की और अब चीटिंग कर रही हो। सॉरी बंसी, वो कॉलेज का पहला दिन था तो सारे दोस्त मिले और हाय बाय में। मुझे भूल गए ना? हम दोनों अलग हैं, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो बंसी? इस दुनिया में मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं। अगर तुम भूल गई तो फिर तुम सोचो मेरा क्या होगा शिवानी। सॉरी, बोल दिया ना मैंने। तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे एक बात बतानी है। मेरा लकी नंबर है 4, 1, 2, 3, 4। अब तुम बोलो। रात को मुझे एक सपना आया था। अच्छा, कहीं मैं शरारती लड़का तुम्हारे सपने में आकर शरारत तो नहीं किया? क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। शिवानी प्लीज प्लीज बताओ ना। नेक्स्ट टाइम बेटर लक, बाय। ए, पसंद है क्या? चल। ए शिवाजी, क्या हुआ? तुझे नहीं लगता आजकल हम लोग अच्छी आदतें भूलते जा रहे हैं? चल एक सिगरेट जला। सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। मेरे लिए नहीं, बाजू वाले के लिए। हेलो, हाँ सब ठीक है? ओके। शिवाजी, शिवानी अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही है, चलो हम भी चलते हैं। मम्मी को मालूम पड़ गया तो? मम्मी से छुप कर जाएंगे। राज, राज। आता हूँ मम्मी। आपने बुलाया मम्मी? ये सब क्या है मम्मी? ये चांद है। इसको देखकर जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे अपना मानते हैं और उससे अपने दिल की बात बताते हैं। ये जो चांद है, जब हम इसे देखकर अपने दिल की बात कहते हैं तो अपने दिल का बोझ कम हो जाता है। नींद आ रही है मम्मी, मैं जाकर सो जाऊं। वैसे ही मुझे सुबह उठकर जॉगिंग पे जाना है। ठीक है, जाओ सो जाओ। मैं सिंसियरली ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में नहीं आ रही। तुम लोग ऐसे रफली ट्राई करोगे तो हाथ में आएगी क्या? हैंडल विद केयर। ये क्या रे? मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, तेरा क्या हो रहा है? ये तेरी क्या लगती है? ये मेरी वो आंटी है। ए, हम लोगों से मत टकरा, हम लोग इधर के लोकल। तुम लोग अगर लोकल हो तो मैं इंटरनेशनल हूँ। ए, अगर मर्द का बच्चा है, इधर ही रुकना तू, समझ गया? अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। 2 मिनट में।
राजकुमार, रूम नंबर H-2-227, रोड नंबर यारा हिल बंजारा हिल हैदराबाद 825082। ये मेरा परमानेंट एड्रेस है और तुम्हारा जब दिल करे आ जाना और जितने लोगों को साथ लाना है ले आना। ये मैं तुम्हें लाइफ टाइम ऑफर दे रहा हूँ। हो सकता है वो रास्ते में तुम्हें फिर से छेड़े और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। ओके। हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही मेरा घर है। थैंक यू। उप्स। ए, हेलो, अकेले अंदर कहाँ जा रहे हो? अब इतना दूर आ गया हूँ तो अंदर नहीं जाऊंगा। काफी देर हो गया, अब अंदर आके कुछ खाऊंगा पीऊंगा, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? मुझे नहीं बुरा लगेगा, और वैसे भी मेरे दोस्त घर आए, मुझे पसंद नहीं है। ओके। By the way, मेरा नाम है राजकुमार। जो मेरे दोस्त बनना चाहते हैं या मेरे करीब आना चाहते हैं वो मुझे राज कहते हैं। Good night, अंकल। यू अंकल, मामा, चाचा, मौसा, फूफा, कुछ भी कह लो। वजन है और ऊपर से पुराना गाना गा रहे हो। ए, तू अपना मुंह बंद कर, तुझे पता है ये गाना उसे बहुत ही पसंद है ना? फिर मुझे क्या, चल ना अपना काम कर। हेलो। हेलो बंसी। हाय शिवानी, कल तुमको फोन किया था, कहाँ थे? वो मेरा दोस्त है ना राज, उसके साथ रेन डांस में गई थी। एक सेकंड, ये राज कौन है? लगता है जल रहा है, अब और जलाती हूँ। हेलो, वो क्या है ना कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए पार्टी में गई थी उनके साथ। अरे अरे, इतनी इज्जत देकर बात कर रही हो? कहा ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनके साथ गई। So, tell me about him. उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो? Come on, वो वाकई बहुत अच्छा है। अगर ये बात है तो सुनो। हेलो हेलो हेलो, बस बहुत हो गया, ओवर एक्टिंग मत करो, तुम्हें जलाने के लिए किया था। सुनो बंसी, न तुमसे पहले कोई है न था, और वैसे तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, क्या बात है? वो भूल गया था। अरे जरा पीछे जाना तो, वो मुझसे भी ज्यादा खास है क्या? मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से ये समथिंग स्पेशल फॉर मी। ओके, टेंशन मत लो, बाय। शिवानी, मेरे मन में एक डाउट है। क्या? तुम दोनों के बारे में बात करती हो, तुम्हें कौन पसंद है? दोनों। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम उन दोनों में से किससे प्यार करती हो? क्या प्यार? जब किसी को किसी से प्यार होता है ना, तो वो बताया नहीं जाता है, इंसान को उसका अपने आप पता चल ही जाता है। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारी उम्र है ना, उस पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए इस वक्त तुम्हारा मैं एक टेस्ट लूंगी। टेस्ट? ये सब क्या है? चाहे कितनी भी आवाज हो, डिस्टरबेंस हो, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो, जिसे पसंद करती हो, उसे याद करते हुए अगर तुम्हें कोई डिस्टरबेंस सुनाई ना दे, उसका चेहरा दिखाई दे आंखों के सामने, तुम आंखें बंद करके दोनों को याद करने की कोशिश करो। साफ नजर नहीं आया। अगली बार ना मैं गॉगल लगा कर देखूंगी। देखा? हाँ, लेकिन तू ये सब मुझे बता रही है, कभी अपने आप पे ट्राई किया? हाँ, लेकिन मुझे 5 लोग दिखाई दिए। तू कितनी चालू है। देखो, मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ वैसे गाओगे तो गिनीज बुक में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। परफेक्शन होना चाहिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? माफ कीजिए, फोन तो आपने मुझे किया है, तो पहले आप अपना नाम मुझे बताएं। फोन पहले आपने उठाया है ना, तो पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है। ए, कौन सी समझदारी है? फोन तुमने किया और मुझे नाम बताने को कह रहे हो? क्या तुम रिवर्स बोल रहे हो? रिवर्स बोला तो क्या? नहीं बताऊंगा तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, ज्यादा बकबक मत कर, फोन रख दे। मैं फोन नहीं रखूंगा, ये मेरा फोन है, तुम्हें इससे क्या? ए, तू पागल है क्या? हाँ चलो, मैं पागल हूँ, तुम्हें इससे क्या? लगता है पागल है, ठीक से बात करना होगा। हेलो, देखो। हाँ दिखाइए। आपने किसको फोन किया है बताइए? आप बताओगे तभी ना मैं बता पाऊंगा।
तुमने फोन किया? तुमको मालूम नहीं कि तुमने किसको फोन किया? तुम्हें मालूम नहीं है किसी और का फोन उठा लिया? मैंने फोन उठा लिया, अब बताओ तुम्हें किससे बात करनी है? मुझे सुब्बा राव से बात करनी है। अब आए ना लाइन पे, वैसे मैं सुब्बा राव नहीं अप्पा राव हूँ। हाँ अब मालूम पड़ गया ना, अप्पा राव से नहीं सुब्बा राव से बात करनी है। तुम बीच में क्यों कूद पड़े? फोन की स्पेलिंग मालूम नहीं, फोन उठा लेते हैं, फोन पर भाषण देते हैं। फोन रखो। आंटी अंकल मैं कॉलेज जा रही हूँ। एक मिनट सुनो। क्या हुआ आंटी? भगवान का प्रसाद लेकर जाओ। ये लो बेटा, तुम भी लो। ये क्या है? काशी का धागा, इसे पहनने से तुम्हारे जीवन में सब अच्छा अच्छा होगा। लेकिन इतना बड़ा क्यों आंटी? जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, ये सब उनके लिए है। तो एक और दोगी आंटी? ये लो। थैंक यू। तुम्हारा जो भी हस्बैंड आने वाला है उसकी जेब फटने वाली है। जेब क्यों फटेगी? जेब तो फटेगी, तुम उससे खर्च करवाने वाली हो, शादी के पहले कंगाल हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है। मेरे बारे में भी कुछ बताओ। तुम्हारे लिए दिन भर हाथ खुजाने वाला और रात में दाढ़ी खुजाने वाला हस्बैंड मिलेगा, देख लेना। लेकिन कहाँ मिलेगा? यहीं पर है। चलो हम निकलते हैं। मेरी पोजीशन क्या है बाबा? पोजीशन जानना है बालक? तुम किसी को लाइन नहीं मारोगी और कोई तुम्हारी लाइन में भी नहीं आएगा। बाबा हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। राज मेरे बारे में कुछ बताओ ना, मैं एक लड़के को पाने की सिंसियरली ट्राई कर रही हूँ, मगर वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। एक लड़की लड़के को पाने का ट्राई करे और देखे भी नहीं, इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। लिसन टू मी गर्ल्स, आजकल के लड़के इतनी आसानी से लाइन नहीं देते। इनको लाइन पर लाने के लिए तुम्हें कुछ अच्छा आइडिया इस्तेमाल करना चाहिए। आइडिया? मुझे भी बताओ ना बाबा। कैटेगरी के हिसाब से आइडिया इस्तेमाल करना पड़ता है। कैटेगरी मतलब? तुम सबको समझाने के लिए कुल 5 कैटेगरी हैं। सबसे पहले एस्थेटिक, लिथार्जिक, श्रीवर्ड, मनी माइंडेड, इंट्रोवर्ट। एस्थेटिक, ये सबों के साथ समान भाव रखते हैं, ऐसे लोगों के दिल में एज नो बार, कलर नो बार, रिलीजन नो बार होता है। इसके बाद एक्सट्रोवर्ट, जो लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, अगर लड़के ने पलट कर देखा दैट मींस ओवर। तीसरा है लेथार्जिक, जो बिल्कुल काम धाम नहीं करते, निखट्टू, इन्हें किसी की कदर ही नहीं होती। इसके बाद इंट्रोवर्ट, ये इतने बदमाश होते हैं कि इनकी कैटेगरी में देश, वेश, खान पान कोई मायने नहीं रखता। ये लोग मोहल्ले की जमादारनी से लेकर लंदन की रानी महारानी तक को लाइन मारते हैं। चौथा है श्रूड, जो लड़कियों से नफरत करते हैं, इसका मतलब सेंटीमेंट से ही इन्हें लाइन पर लाया जा सकता है। नाउ मनी माइंडर्स, वेरी वेरी डेंजरस, चाहे लड़कियां लंगड़ी हो, लूली हो, काली हो, गोरी हो, कुंवारी हो या गर्भवती महिला हो, इस कैटेगरी के लोग बहुत चालू होते हैं, पॉकेट भी पेट की तरह फूली होनी चाहिए। वैसे तुम कौन सी कैटेगरी के हो? आराधना। There you are. वो करता क्या है? दूध बेचता है। शायद इसीलिए लोग प्यार को अंधा कानून कहते हैं। उसमें तो अमिताभ बच्चन है। राज तुम्हें वो दूध वाला लड़का चाहिए, तो रोज सुबह उठना होगा। ओ माई गॉड, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं तो है। सॉरी सॉरी, मैं रात को नहा धोकर सो जाऊंगी और सुबह जल्दी उठकर उससे मिलूंगी। वेरी गुड, यही डेडिकेशन होनी चाहिए। ऐसी बेवकूफ लड़की से मुझे भगवान ही बचाए, रक्षा करो भगवान। शिवा रेडी? हाँ रेडी। बालिके, प्रेम फल पाना चाहती हो तो जैसा ये राज कहता है वैसा ही करो। अब तुम लोग सब सो जाओ। कौशल्या सुप्रजा रामा, सुबह हो गई, अपनी आंखें खोलो और नींद का मुंह त्याग दो। सॉरी, ये की कर रही है ना? देख रही है, चूड़ी पहन रही है, बिंदिया लगा रही है, अभी दुपट्टा। ट्रिंग ट्रिंग, दूध वाला आ गया, दूध वाला आ गया। नजर मिली, दिल धड़कावे, नजरों ने कहा ये क्या हुआ, कैसे हुआ। नजर मिली, दिल धड़का मेरी, नजरों ने कहा ये क्या हुआ, कैसे। ये क्या है? रंगोली पाउडर। लेकिन मुझे रंगोली बनाने नहीं आती। अरे रंगोली डालना नहीं है, बस एक्टिंग करनी है। जब तुम्हें लगे कि वो आ रहा है तो तुम आराम से बैठकर रंगोली डालने की एक्टिंग करना, ठीक है? और उसके बाद? उसके बाद मैं तुलसी तेरे क्यों 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 ये भी नहीं समझी पागल लड़की, यही तो रियल ट्विस्ट है।
उसके साइकिल में ब्रेक नहीं है। अरे तब तो वो गिर जाएगा ना। तुम लोग वहीं रुको। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये रियल ट्विस्ट है। वो नीचे गिरेगा, तभी गाना हो। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या। उसका शौक लगेगा। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखोगे। उसका हाथ तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा हाथ उसके हाथ में। उसकी सांसें तेज तेज चलती रहेंगी। ये क्या है? रंगोली पाउडर खत्म हो गई। क्या हुआ? पंखा ऊपर चल रहा था। मैं समझ गई। थैंक यू राज। वो चली गई मेरी बकवास सुनकर। सभा समाप्त। ए गौरी, तुमने राज को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। ला 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 ला। सोनू, तुमने राज को कहीं देखा है? हाँ, राज तो कैंपस में है। थैंक यू। शिवानी छोड़ो ना। तुम लाइफ को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हो। इन लड़कियों की वजह से ही तो दुनिया इतनी खूबसूरत है। हाय हैंडसम। अरे लड़कियों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें सुनकर ना कभी कभी मुझे डाउट होता है। कैसा डाउट? आर यू वर्जिन? अरे ये क्या हो गया? अगर यही बात मैं तुमसे पूछता तो कैसा फील होता? सॉरी। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। सबसे पहले अट्रैक्शन होता है, उसके बाद दोस्ती होती है, और वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। कहाँ खो गई? तुम्हारी बातों में मैं जो लाई थी वो भूल गई। क्या है ये? ये तुम्हें देना है। ये भगवान का धागा है, इसे पहनने से सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। कोई बात नहीं, अब मानने लगोगे, पहन लो ना। मेरा नाम शिवानी है, और जो लोग मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं और मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, वो लोग मुझे श्री कहकर बुलाते हैं। बाबा कृष्ण लग रहा है ना एकदम। उसके सर पर मुकुट कितना अच्छा लग रहा है। मुकुट अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बांसुरी बहुत ही अच्छा बजा रहा है। गोपाल कृष्ण लग रहा है। ठीक कहा, गोपाल कृष्ण। ये क्या हो रहा भैया? परफेक्शन। और मैं एक ही दिन पैदा हुए थे, उसके सर पे मुकुट है तो मेरे सर पे भी हो। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन पैदा होते तो क्या सूंड लगा लेते? डाउट है क्या? तो एक काम करते हैं, हम लोग इसे उठाकर विसर्जन कर देते हैं। डाउट है? चलो परिक्रमा कर लेते हैं। श्री, जो लड़की हमेशा मॉडर्न ड्रेस में रहती वो यहाँ इस ड्रेस में। संस्कार और सौंदर्य दोनों को मिलाकर कितनी खूबसूरत लग रही है। हाय राज। हाय। कॉन्वेंट में मॉडर्न ड्रेस पहनकर घूमने वाली लड़की मंदिर में ऐसे घूम रही है? अगर मंदिर में मॉडर्न ड्रेस पहनकर आए तो मंदिर में आने वाले भक्त भगवान की पूजा करने की बजाय
हमारी ओर ही देखते रहेंगे, जो कि गलत बात है ना? अरे राज, तुम परिक्रमा करने की बजाय यहाँ खड़े हो, ये लड़की कौन है? मम्मी, ये मेरी क्लासमेट है शिवानी, ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। कितनी प्यारी हो तुम, हू बहू लक्ष्मी माता जैसी दिखती हो। शिवानी कहाँ है? शिवानी आज कॉलेज नहीं आई है। मेरा बॉल। अरे अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। रो मत। अच्छा बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्ची को सही सलामत पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद। It's all right, sir. चलता हूँ। जी। शिवानी यहाँ क्या कर रही है? यहाँ क्या कर रही है मतलब, यह अनाथ आश्रम शिवानी का ही है। शिवानी इतना बड़ा फाउंडेशन चला रही है? बचपन में जब वो अपने माँ बाप के साथ प्लेन से आ रही थी तो वो प्लेन क्रैश हो गया और उनके माँ बाप का देहांत हो गया। उस प्लेन में जितने भी लोग थे सभी लोग मर गए, शिवानी और एक लड़का उस प्लेन क्रैश में बच गए, उसका नाम है बंसी। तब से शिवानी और उनकी सहेली मिलकर ये फाउंडेशन चला रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें और लड़कियों की तरह बुलाता रहा। I'm sorry. इसलिए मैं अपने अतीत के बारे में कभी किसी को नहीं बताती, और इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन अपने घर पर आने के लिए मना किया था। मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मेरी जिंदगी की यही सच्चाई है, और ये बच्चे ही मेरे जीने का मकसद है। लेकिन तुमने क्या समझा कि मैं ये जो कुछ कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी? और वैसे भी हर इंसान की जिंदगी में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है माँ बाप के साथ और दूसरा पार्ट अपने लाइफ पार्टनर के साथ। पहला पार्ट तो भगवान ने मुझसे छीन लिया, और रहा दूसरा पार्ट तो जो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा, मैं उसी के साथ जीवन गुजारूंगी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे सोचने का हक नहीं है? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा सोचने का पूरा हक है। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें सबसे अच्छा पति मिले। कुछ तो दिल में हुआ तुमसे जाए, क्या भला है और क्या बुरा उसको समझ न आए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना एग्जाम पूरा कर लिया है ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। साइलेंस साइलेंस, अब आप लोगों को जितनी मस्ती करनी है वो आप लोग टूर पे जाके कर सकते हैं। जिन जिन को टूर पे जाना है मैडम को अपना नाम लिखवा दीजिए। शिवानी। राज। राजकुमार। शिवानी। बाबा सैगल।
सहगल बाबा। बाबा सहगल, सहगल बाबा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। दीपा, मधु, डॉली, सपना, सिर्फ लड़कियां ही नाम लिखा रही है, लड़कों को नहीं जाना है क्या? इस क्लास में 10 एजी हैं, 12 केजी हैं और 15 सीजी हैं और एक बंदर है। मतलब? मतलब 10 गधे हैं, 12 गधे बड़े हैं और 15 छोटे हैं। इनको तो बचपन से आदत है, लेकिन बंदर कौन है? बंदर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल। नहीं तुम हो। ये प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवानी, शिवानी रुको। शिवानी हटो ना, रुक जाओ। लड़की मिलेगी। वेंकटराव जी हैं? यहाँ पर इस घर में कोई वेंकटराव जी नहीं रहते हैं। इज इट 2819930 रॉन्ग नंबर। मतलब ये नंबर मेरा नहीं है। आपका नंबर नहीं है? नहीं है। तो फिर आपने फोन क्यों उठाया? मतलब तुम्हारा नंबर नहीं क्यों उठाया? तुमने कुछ सुबह सुबह पी रखा है? अगर नहीं पिया तो तू मुझे पिलाएगा? मैं तुम्हें क्या फ्री में पिलाऊंगा, इतना बड़ा पागल हूँ क्या? तेरा फोन नहीं फिर भी तू उठाया, मतलब तू पागल है। अरे ये रॉन्ग नंबर है भाई। रॉन्ग नंबर का मतलब? आपने जो नंबर डायल किया वो मेरा नहीं है। अगर नहीं है तो उठाया क्यों? अच्छा, घर में नया फोन आया है क्या? पुराना होता तो नहीं उठाता। तेरी माँ की आँख, अगर मैंने फोन उठा लिया तो क्या गलत किया? तेरी माँ की आँख। लेकिन तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? घर का फोन इसलिए पता नहीं चल रहा है। अगर एसटीडी कॉल होता तो 2 रुपए, 5 स्टार होटल से तो 5 रुपए लगते हैं। अब बता इतने पैसे कौन देता, तेरा बाप? तुमने जो नंबर डायल किया वो रॉन्ग नंबर है। फिर फोन क्यों उठाया? अगर मैंने फोन उठा लिया तो क्या गलत किया? वही तो पूछता हूँ, फोन क्यों उठाया? अरे यार तू मुझे बख्श दे, क्यों परेशान करता है? ठीक से दबाओ। क्या दबाओ? अरे तुझे नहीं, तू तो मेरा गला दबा रहा है, और क्या दबाएगा तू मेरा? तुमने गलत नंबर डायल किया है। अरे मैंने अपना नंबर डायल किया है तो फिर मैंने गलत नंबर कैसे डायल किया है? तेरा नंबर नहीं तो फोन क्यों उठाया? शिवानी, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। इसमें लगने वाली क्या बात है, वो तुझसे प्यार करती है लेकिन लड़कियाँ पहले जताती नहीं है, कुछ भी हो पहले लड़कों से ही बुलवाती हैं। Hey, I'm ready. शिवानी, तुम्हें पता है मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था लेकिन किसी वजह से मैं अभी तक कह नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुमसे जरूर कहूंगा। आई लव यू। आई लव यू वेरी मच। बंसी, तुम जो कह रहे हो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ओह सॉरी, वो मैं नहा रही थी ना तो कान में रुई डालकर रखी थी तो निकाली नहीं। अब बोलो। शिवानी, पहले तुम। एक बात कहूँ, वैसे मैं भी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। नहीं पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। नहीं पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। मेरा लकी नंबर है 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब तुम बताओ। शिवानी,
वो ओहो, तुम बोलने में इतना शर्मा क्यों रहे हो? इसमें इतना शर्माने वाली बात है तो पेपर पे लिख के फैक्स कर दो, मैं उसे पढ़ लूंगी। हाँ, ये आईडिया अच्छा है। ओके, डू इट। आज संडे है, 4 बजे से 6 बजे तक राहु कॉलम है। अरे तू क्या राहु केतु के पीछे लगा है? फैक्स भेजना अच्छा नहीं है, इस मैटर में हमेशा सावधान रहना चाहिए। बॉस, आज ये राजकुमार शिवानी को आई लव यू बोलने जा रहा है। मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए, थैंक्स बोलूंगा। जय श्री कृष्ण, जिंदाबाद कृष्ण, बाय कृष्ण। हे, गुम गया रे, गुम गया रे दिल मेरा, गुम गया रे। क्या बात है, बहुत जल्दी में आज? ओ, हम लोग आज सिनेमा देखने जाएंगे। अच्छा, एक बार और करके दिखाओ। ये सब बार बार बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ये सब क्या है, घास की तरह दाढ़ी उगा कर रखे हो? किसी भी काम में परफेक्शन होना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? आज मैं बाहर जा रहा हूँ ना, इसलिए मम्मी। आज से पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया, फिर आज क्यों? प्लीज मम्मी प्लीज। ठीक है, बेटा बड़ा हो गया है ना, तो अच्छे संस्कार आएंगे ही। ठीक है। मेरा नाम शिवानी है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे नजदीक आना चाहते हैं, वो मुझे शिवी कह के बुलाते हैं। मम्मी, तुम जो शरारत करते हो वो मुझे पहले से पता है। मम्मी, मैं शिवानी को पसंद तो आऊंगा ना? क्यों नहीं पसंद करेगी, तू तो राजा है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक्स मॉम। राज, मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट। पहली परफेक्शन के साथ दाढ़ी तो बनाई, तुम्हारी हा? अच्छी नहीं लगेगी। यस। शिवानी जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो गया है। ओह, मैं भूल गई थी। ओके, कम ऑन कम ऑन। चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस हो, तुम जिसे चाहती हो उसका चेहरा तुम्हें दिख ही जाएगा। अपनी आंखें बंद करके उसे याद करो। उसे जल्द से जल्द बता देनी चाहिए। hey, राज ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ न्यूजीलैंड में फोटो निकाली थी। राज इज अ लक्की फेलो, कितनी अच्छी लड़कियों को पटाता है। देखो कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। जब मैं उसे देखता था तो मुझे जलन होती थी। कितनी भी सुंदर लड़की क्यों ना हो, राज की मुझे भाती है। अभी अगर कोई अच्छा चेहरा दिखेगा तो अच्छा होगा। अच्छे टाइम पे आई शिवानी, चांदनी रात में चांद को देखकर किसी अच्छे चेहरे को देखो तो शुभ माना जाता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। और जब तुम किसी को चाहते हो, उसे अपने मन की बात बताते हो तो अच्छा होता है। और लकीली आज तुम मेरे सामने हो शिवानी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब तुम्हारी आंखों में एक अच्छा दोस्त देखा। उस दिन मंदिर में तुम्हारे अंदर संस्कारों से लिपटी लड़की को देखा, फिर अनाथ आश्रम में एक अच्छी जिम्मेदार लड़की को देखा। आई लव यू शिवानी। आज तक तुमने ये बात कितनी लड़कियों से कही? इसे? ये सब तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। ये सब तो फॉरेन में मामूली बात है। ये तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, मैं ऐसे लाइफ पार्टनर को नहीं चुन सकती। शिवानी, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। गेट लॉस्ट। अरे यही तो रखा था, कहाँ रखा याद ही नहीं आ रहा। और ये फैक्स क्या आया है? आई लव यू, ये पता नहीं किसने भेजा है। जैसे राम का नाम लिखकर भेजा हो हमें। पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हैं फैक्स में आजकल।
कुछ काम धंधा नहीं आजकल के लोगों को। ये 1886 में क्या बाबा? क्या हुआ बाबा? शिवानी प्लीज मेरी बात सुनो। ये क्या है? ये ड्रेस देखो ना। ऐसी जगह देखने जाएंगे जो कि देखने लायक जगह है, और आप सब लोग जैसे यहाँ शरारत करते हो वहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। साइलेंटली सब कुछ देखोगे, कोई बदमाशी नहीं चाहिए मुझे, और शाम को वापस लौट के आओगे। ओके ओके। भाग जाओ, भाग जाओ, तूफान आ रहा है, हम सब मारे जाएंगे। सब लोग भाग जाओ यहाँ से चले जाओ सब। जल्दी चलिए, तूफान आने वाला है, जल्दी निकलिए आप लोग यहाँ से, जल्दी। जल्दी आओ।
मेरे साथ आओ। आओ आओ सब लोग आओ। शिवानी, अरे जल्दी से कोई कांच तोड़ो। ताज, ताज। राज, राज, सर, राज यहाँ है, जल्दी आइए, सर इधर आइए, राज, राज, जल्दी आइए, जल्दी आइए, राज, देखिए सर, राज, ये क्या हो गया, राज, राज, राज आंखें खोलो, ये क्या हो गया, राज, राज देखो ना, राज, 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 हाय रब्बा तू मेरी महबूबा दिल रुबा आ दोनों मिलके हम तो झूमे नाचे गाएंगे हाँ तेरी आंखों की मस्ती में हम खो जाएंगे मेरा मन भटके मेरा मन ये मेरा गोरा तन तेरा है मेरा मन और मेरा तन हाय रे हाय रब्बा तू मेरी महबूबा दिल रुबा करेंगे हाँ मिलकर मस्ती करेंगे मुझ पे तूने कुछ तो है किया कब तूने मेरा दिल ये ले लिया तेरी मेरी खत्म हो दूरी वो हर आशा करता है पूरी हाँ देखो तो बड़ा प्यारा समा है हाय दिलों में धड़कने भी जवा है जमाना तो बड़ा बुरा है दिल में छुपा लो तुझको सोचा है हाय हाय रे हाय रब्बा हल चल दिल में है हाय रब्बा होगी मेरी विदाई
रब्बा हाय रब्बा, तू मेरी महबूबा दिल रुबा। से तुम यहाँ बैठोगे। अब तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। अब मैं जाकर शिवानी के घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। ओके, ठीक है ना एमडी साहब? मम्मी। हाय बंसी, शिवानी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें एक अर्जेंट फैक्स भेजा है, जाकर देखो प्लीज। शिवानी का फोन है, उसने फैक्स भेजा है, फैक्स। लेकिन मैं अभी शोरूम में हूँ। ओह, जीरो वोल्ट की ट्यूबलाइट। मैं आज तक तुमसे कहती नहीं थी कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। उन सारी बातों को मैंने फैक्स करके भेज दिया है, जाकर देख लो। मैं जीरो वोल्ट की ट्यूबलाइट हूँ, ये बात तुम देर से समझी हो। जाओ जाकर देख लो ना पहले। डियर बंसी, आई लव यू, इस शब्द में जो मिठास है उसका एहसास मुझे अब हुआ है। आई एम इन लव, मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें याद है मैंने उस दिन बताया था, राज के साथ मेरी मंगनी बहुत जल्द होने वाली है और हमारी मंगनी में तुम्हें आना है, आओगे ना? भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। शादी का घर तो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, आइए। इन फूलों में भी परफेक्शन होना चाहिए। हेलो, आप हमारे गेस्ट हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा काम है। फंक्शन के काम में परफेक्शन जरूरी है भाई। लगता है आवाज कहीं सुनी है। ये आवाज तो मुझे कहीं सुनी हुई लगती है। ये तो रॉन्ग नंबर वाला है। ये वही रॉन्ग नंबर वाला है। ए, अब मैं तेरे को बताता हूँ कि क्या करता हूँ। तू ऐसे रह, मैं तेरे को बताता हूँ। भैया 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 भैया, मैंने कल ही बंसी को फोन करके बताया था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही है, वो आ जाएगा ना। राज, यजमान मुहूर्त का समय हो रहा, जल्दी कीजिए। में रहती है, यही मेरे अनाथ आश्रम के लिए मेरी मदद करती है। शीज, इसका नाम नंदनी है। आ, नंदनी को तुम पहले से जानते हो? शिवानी, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। He is Raj. By the way, राज ही मेरे होने वाले हस्बैंड है। अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। नंदिनी से दोस्ती कब हुई तेरी, मुझे तो पता ही नहीं चला। शिवा, तुझे याद है 5 साल पहले जब मैं यूरोप टूर पर गया था, तब मेरे गाइड के रूप में नंदिनी ही थी। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है और उसके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ था। जुम, जुम, जुम। La 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 la
सब अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए। मेरे पास चार पैंट हैं, 1, 2, 3, 4 सब कुछ है, ब्रश पेस्ट सॉक्स सब कुछ है। ओके शर्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 ये भी ठीक है, 1 जैकेट ओके, शेविंग क्रीम ओके, 20 था 19 है, एक नहीं मिल रहा है, पर क्या सब कुछ तो इधर ही है। पूरा देखना पड़ेगा फिर से, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इतनी छोटी सी जगह पर कहाँ जा सकती है। नो कॉम्प्रोमाइज, यहीं कहीं होनी चाहिए। वो रही तो यहाँ चुप कर बैठी है। ये है मेरा प्यारा सुरक्षा कवच, अब इसको मिलाकर पूरे 20 हो गए, मतलब हिसाब किताब बराबर है। राज अब तो अपना टूर भी फिनिश हो गया है, क्या तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है? लग रहा है ना नंदनी, मैंने पूरा अफ्रीका तो घूम लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने एक भी अफ्रीकन चीते की फोटो क्यों नहीं ली। और कुछ नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? क्या लग रहा है? अगर ये टूर एक दो दिन के लिए और रहता तो अच्छा होता। कुछ नहीं लग रहा है तुम्हें? मुझे अच्छा लगा। क्या? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ आया तो मेरी गाइड तुम ही रहोगी, ओके? राज मैं अपनी दोस्ती के निशाने के तौर पे तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या? ये डायरी। डायरी क्यों? बताती हूँ। जब तुम्हें बहुत खुशी महसूस हो और तुम किसी वजह से बहुत खुश हो, या किसी तरह का दुख तुम्हें बहुत सता रहा हो और सामने सुनने वाला भी कोई ना हो, तब इस डायरी में तुम अपने दिल की बात लिख देना। ये मेरी फिलॉसफी है। स्टूपिड। तुम स्टूपिड हो। बाय। कुछ भूल गई हो क्या? स्टूपिड। कर रहे हो? मेरी नकल कर रहे हो? ओहो, मतलब मैं जो बोलूंगा वो भी यही बोलेगा। खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़खड़ाने से खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क। क्या चाहिए तुम्हें? बेटा इधर नंदनी कहाँ रहती है? नंदनी नहीं, नंदनी जी बोलो। अच्छा नंदनी जी, आप नंदनी जी को कैसे जानते हैं? क्योंकि वो मेरी माँ है और वो वहाँ है। चलो चलते हैं। क्या नंदनी की शादी हो गई? बच्चों के लिए पहले भगवान उनके माँ बाप होते हैं, और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनको टेंशन या फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सबकी रक्षा करने के लिए भगवान है और बच्चे भगवान के प्रतिरूप होते हैं। हमें उन बच्चों को अनाथ नहीं समझना चाहिए और उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे उनके असली माँ बाप। मैडम कोई मिस्टर राज आपसे मिलने आए हैं। तुम तो बहुत बदली बदली लग रही हो, और मैच्योर्ड भी। तुम्हें भी बदलाव आया है, जिम्मेदार इंसान लग रहे हो। मुझ में आए बदलाव का सारा क्रेडिट शिवानी को जाता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत करीब हो जाते हैं एक ही मुलाकात में।
और कुछ लोगों से मिलने के बाद पहली नजर में उनसे प्यार हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, और आज शिवानी ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा लगता है वो नहीं तो मैं नहीं। और हाँ, मैंने तुम्हारे बेटे तेजा को देखा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। वो तो बिल्कुल अपने पापा पे गए हैं। वो कहाँ है? फिलहाल तो वो इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं। लव मैरिज है क्या? हमारा टूर खत्म होते ही उनसे मुलाकात हुई। ये तेजा उसी का नतीजा है। मैं जिसे प्यास समझ रही थी वो उसे फ्रेंडशिप समझ रहे थे। फॉरेन कल्चर यही है ना। अभी हम लोग साथ में नहीं रहते, कभी कभी वो तेजा को फोन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी अब जरूर मिलेंगे। अरे सामने देखो, शिवानी आ रही है। तुम स्टूपिड। मैं तो स्टूपिड हुई। हे नंदनी, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना। ओके बाय बाय। मैंने आपको जो टीज किया उसके लिए सॉरी। मैंने भी अभी तक जो आपको टीज किया उसके लिए सॉरी। मैं सिंसियरली कह रहा हूँ। मैं भी सिंसियरली ही बोल रहा हूँ। बड़े लोगों को छोटे लोगों को सॉरी नहीं कहना चाहिए, पता है? तो फिर क्या करना चाहिए? उन्हें चॉकलेट देनी चाहिए बहुत सारी। अरे मुझे नहीं मालूम था। अब मैं जब भी आऊंगा तुम्हारे लिए चॉकलेट जरूर लाऊंगा। नो चीटिंग। परफेक्शन हो रहा है भैया। भैया आप किचन में क्या कर रहे थे? किचन में सब कुछ परफेक्शन से हो रहा है या नहीं यह सब देखने के लिए मैं यहाँ पर चला आया। ये सब देखने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ओके क्या चाहिए? बॉर्नविटा बूस्ट, कोका कोला, पेप्सी? वो तो नहीं होगा। पेप्सी वो तो है। इट्स राइट चॉइस यू भैया। देखो भैया वो स्विमिंग पूल कितना खूबसूरत है। देखो देखो भैया, हो गया इसका पराव। बहुत अच्छा है, इधर से भी अच्छा ही दिख रहा है। अच्छा वो देखो पानी में मछलियाँ कितनी अच्छी दिख रही है। उधर देखो भैया, उधर देखो उससे भी अच्छी वो रंगीन मछलियाँ लग रही हैं। वो देखो वो रंगीन मछलियाँ तैर रही हैं। उधर देखो भैया, इसको क्यों इधर से उधर चेंज कर रहे हो? देखो पानी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ? उधर। बड़ा तेज बनता है ना। चेंज किया, अच्छा है। वो पानी में कितनी अच्छी मछलियाँ तैर रही हैं भैया। भैया उधर देखो वो मछलियाँ आपस में कैसे खेल रही हैं। खेल रही है, देखते रहो। अजीब बात है ना भैया। बहुत अजीब बात है भैया। भैया कभी कभी हम लोग अपने खोदे खड्डे में ही गिर जाते हैं। मैं खड्डे में नहीं गिरता भैया, स्विमिंग पूल में गिरता हूँ। भैया तुम बहुत समझदार हो। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो हम लोग इस पानी में नहाते हैं। अरे इतना जल्दी तुम्हें चक्कर आने लगा? ये देखोगे तो तुम्हें भी चक्कर आने लगेंगे। ये क्या है? ये मेरे बाथरूम का चाबी है। अरे छी, चल फुट। क्यों अंदर के पार्ट छिल रहे हैं क्या? मेरे गड़बड़ हो रहा है, जल्दी इस चाबी दे। ये रोक नंबर अम्मा जाकर। लगता है यही हो जाएगा। सॉरी शिवानी, वीजा का प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं आना था ये कहो ना। उस दिन तुम जिस तरह की बात कर रहे थे लग रहा था किसी से प्यार करने लगे हो। अरे तुम्हें कैसे पता? अरे उस दिन बताने में शर्मा रहे थे, कह रहे थे फैक्स भेज दूंगा, तभी मैं समझ गई कौन है वो लड़की, बताओ ना। नो, अभी नहीं बताऊंगा, शादी में आ रहा हूँ तभी बताऊंगा। हाँ तुम ऐसे ही बोलोगे, हमारी तो एंगेजमेंट भी हो गई और शादी के कार्ड भी छप गए, तुम उधर बैठकर बात यही करते रहो। मेरे बगैर तुम्हारी शादी और तुम्हारे बगैर मेरी शादी नहीं हो सकती। ओके बाय। ये तो पूरा बदल गया है, अब तो झूठ भी बोलने लगा है। झूठ बोलने लायक तो नहीं लगता। तुम्हें नहीं पता वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। वो जो बोलता वही करता है। वो कुछ नहीं करता ऐसा। नो, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो स्टूपिड लड़का नो, वो जेंटलमैन है। मैनर्स नहीं है उसे। बहुत डिसेंट है। टाइम सेंस भी नहीं है उसे। टाइम सेंस नहीं है पर वो टाइम का बहुत पाबंद है। नंदनी तुम किसके बारे में बात कर रही हो? राज के बारे में बोल रही थी। राज नहीं, मैं अपने फ्रेंड बंसी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो राज के बारे में बोल रही थी। राज ना, ही इज अ ग्रेट लवर। बिल्कुल, और तुम उसकी जान हो। रियली इज अ ग्रेट लवर। चॉकलेट। अरे मुझे ये चॉकलेट पसंद है, ये आपको कैसे पता? ये तुम्हें पसंद है मुझे नहीं पता था। ये मुझे पसंद है इसलिए लेकर आया। अंकल अंकल, शिवानी आंटी ऊपर वाले कमरे में है। तो क्या
इसका मतलब क्या अंकल आप भी? इसका मतलब ये है। अरे समझा करो ना अंकल। नंदिनी जरा इसे ठीक कर दो ना। शिवानी मैं ठीक। शिवानी है ना? तेजा मैं अभी आ रही हूँ। शिवानी मैं अभी आती हूँ। हाँ राज यहाँ क्यों आए? बिना बताए ऊपर चले आए तुम। ऊपर आने से पहले सोचा था कि पूछ कर करूंगा। ऊपर आने से पहले क्या करूंगा? नहीं नहीं मतलब किस? हाँ ये सब शादी के बाद। शादी के बाद तो बहुत सारे किस मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। लेकिन अभी नहीं शिवानी, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। देखो अगर तुम मुझे प्यार से किस दे दो तब तो मैं तुम्हारे सामने चुपचाप बैठा रहूंगा, वरना अगर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी तो मुझे दोष मत देना। देखो ऐसे चैलेंज मत करो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसा बोलूंगी तो तुम छोड़ दोगे? नेवर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। चैलेंज चैलेंज। गुड लक। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। अगर ये शास्त्री किसी की जन्म कुंडली बनाता है तो वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं अगले 7 जन्मों के लिए विवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। शास्त्री जी आप बैठ जाइए। ठीक है बैठ जाता हूँ। जोड़ी बहुत ही अच्छी है, दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरने वाली है। शास्त्री जी इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाना है और ये मेरा बेटा है। ए सुनो, अभी जो तुम लोग कर रहे हो वो शादी से पहले नहीं करते। हाँ ये गलत होता है, पाप लगता है, इसलिए शादी से पहले जी, ये नहीं करते। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। क्या है बोलिए? इसका क्या मतलब होता है? किस? मुझे किस करना है? मैंने इसे कौन सा काम कर दिया? आपको नहीं, शिवानी को। शिवानी? नहीं नहीं शादी पहले नहीं, घोर अपराध है। अगर ये करेगा तो गलत है, अगर 3-4 करेगा तो वो गलत नहीं महादेव। हाँ तो क्या फिर तुम 3 किस लोगे? हाँ महादेव। हाँ तो क्या फिर वो हाँ बोली? नहीं बोली, इसी बात का तो टेंशन है। उससे मैंने चैलेंज किया कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे दिखाओगे। मैं लेके दिखाऊंगा। हाँ 3 किस एक साथ कैसे लोगे? नमस्ते पुजारी जी। कौन कौन है? पहले किस? ये किसकी आवाज थी? पुजारी जी पीठ पर एक हो गया। हो गया? ये बहुत चालू है, इसे संभल के रहना पड़ेगा। बेटा मैं तुम्हें सीट दूंगा, तुम यहाँ बैठो। हाँ आओ आओ, मैं तुम्हें सीट दूंगा, यहाँ बैठो। हाँ तुम कहाँ बैठोगे? तुम यहाँ बैठो। हाँ बैठो बैठो। ठीक है पुजारी जी। गाइस ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः। ये क्या, ये बीमारी मुझे भी लग गई? हे भगवान, तुम जिस भगवान को मानते हो उस परमात्मा का स्मरण करो। वो आत्मा हो चाहे परमात्मा, मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ है। चलो शिवानी माँ के पैर छूते। अरे रुको रुको, दोनों करीब मत आओ। अरे अरे क्या कर रहे हो? मेरी बात को मानो। अरे ये कैसा पंडित है, वो अपनी माँ के पैर छूना चाह रहे हैं और ये मना कर रहे हैं। भगवान तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? उठो बेटी, जाओ जाकर पैर छुओ। मम्मी मम्मी उधर देखो। दूसरी किस? ये तो बहुत ही चालाक लड़का है, ये 2 से रुकने वाला नहीं है। यहाँ दोस्त लोग बहुत आ गए हैं, यहाँ जगह कम पड़ेगी, आप लोगों के लिए जगह नहीं है। बेटी तुम इधर आओ। अरे तुम वहाँ जाकर बैठो। तुम जाओ। अरे ये पागल है, यहाँ बैठो। मानने वाला आप, देखता हूँ तुम कैसे किस लेते हो। किस तो मैं लेकर ही रहूंगा, आप रुक नहीं पाओगे। मैं तो यहाँ से हटने वाला हूँ, और अगर फाइनल टच देना है लिप टू लिप किस करूंगा। लिप टू लिप करोगे? देखता हूँ तुम कैसे किस करते हो। मुझे कोई ऐरा गैरा शास्त्री समझ रखा है क्या? मेरी नजरों से कोई बच नहीं सका है आज तक, तो फिर तुम क्या चीज हो? हाँ क्या है बेटी? अरे
मम्मी मम्मी तीन हो गई। अरे यो मर गया। अब तो हो गया ना महादेव, दोबारा मुझसे मत उलझना। नहीं उलझूंगा बेटा। कल्पना को किसने गोद ले लिया है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। देखो कल्पना, तुम जाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ा घर मिलेगा, तुम्हें कार मिलेगी जिससे तुम घूम सकोगी, बहुत सारे मिकी माउस मिलेंगे खेलने के लिए, और जब चाहो डिज्नीलैंड जा सकोगी। प्लीज नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। ए, तुम्हें जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं कभी नहीं आऊंगी, और आज के बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी मैं। तेजा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे डैडी उनको छोड़कर चले गए हैं। फोटो कैसे अच्छा है ना? तेजा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे डैडी उनको छोड़कर चले गए हैं। मम्मी सुनो ना, डैडी कब आएंगे? वो जरूर आएंगे बेटा। मैं जब भी पूछता हूँ तो कहती हूँ आएंगे, कब आएंगे? तेजा, मम्मी डैडी कैसे दिखते थे? तेजा, अब तुम जाओ यहाँ से। उनकी कोई फोटो भी नहीं है, मुझे दिखाओ ना। तेजा, तेजा। अरे तेजा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मम्मी ने मारा, मैंने मम्मी से डैडी की फोटो मांगी तो उन्होंने मुझे मारा। तेजा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम अच्छी हो। तुम्हारे पापा अलग रह रहे हैं तो उनके बारे में याद करके क्यों अपनी मम्मी का दिल दुखा रहे हो? नहीं, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे हैं, मैंने मम्मी से 2-3 बार सुना था। अगर तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं तो वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। क्या जरूर आएंगे? हाँ जरूर आएंगे। तो फिर उन्हें जल्दी आने को कहो ना, मुझे उनकी याद आती है, मेरे फ्रेंड्स पूछते डैडी कहाँ है। अरे हम लोग क्यों इनकी बात सुन रहे हैं, रोना बंद करो, चलो चलकर कहीं घूम कर आते हैं। बाय। तेजा देखो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आ। ये क्या कर दिया तूने? सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे सारी बोलेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? तू क्या समझता है मेरे को बेवकूफ समझता है क्या? और गाली दीजिए। अरे ये तो पागल आदमी लगता है, कैसा इंसान है? और गाली दे रहा, पागल हो गया क्या? कोई अच्छी गाली नहीं आती क्या? पता नहीं कैसा आदमी है, मैं तो बोल बोल कर थक गया, लगता है ये किसी गैंग का आदमी है। भागो भागो भागो। क्यों, मजा आया? अंकल अर्जेंट। अच्छा अर्जेंट। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। देखिए इसको जरा अर्जेंट है। बोर्ड नहीं देखा, ये लेडीज पार्लर है, जेंट्स के लिए कोई एंट्री नहीं। अरे इसके लिए क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये तो हाफ टिकट है ना। अंकल मैं हाफ टिकट नहीं, फुल टिकट हूँ। अंकल अर्जेंट। गो प्लीज, गो गो गो। यस ओके, कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी, आपके लिए फोन आया शायद। या फोन बज रहा है। यस, अभी इसने अंदर नहीं जाने दिया ना, अभी देख इसको बताता हूँ। चल खोल, इधर ही कर डाल, इधर ही कर। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले आप स्टार्ट कीजिए। क्या मैं? अंकल प्लीज अर्जेंट। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हम तीनों एक साथ शुरू करते हैं। ओके 1 2 3। हेलो एवलास, व्हाट डू यू वांट प्लीज? हेलो
सवरम है क्या प्लीज? शवरम? कौन शवरम? सवरम तुम्हें नहीं मालूम तो फिर तुम लंदन से यहाँ क्यों आए? चलो वापस चले जाओ कोंडे। व्हाट? क्या बोला? हाँ कोंडे, अभी तो मिले थे ना आपके पार्लर के बाहर, एक लंबा वाला और एक छोटा वाला। क्या क्या? यू कम ऑन गर्ल्स, पकड़ो इसे, पकड़ो। चलो देख रहा है, इंग्लिश में बोला समझ में नहीं आया, हिंदी में बोल रहे इसको। ला, ला पे आ की मात्रा ला। तू बता रहे उसको? दुख हो रहा है।
से सीखा? ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया। और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये सब उनको मेरे डैडी ने सिखाया। तेजा कौन है? तेजा उनका और मेरा बच्चा है। और वो कौन है? बताया था ना, वो अमेरिका में रहते हैं। वो कौन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो अमेरिका में रहता है वो कौन है? अब बताओ, तुम्हें तेजा की कसम अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला। उस वक्त जब हम लोग यूरोप की टूर पे गए थे, जंगल में घूमने गए थे, तो आदिवासियों से मुलाकात हुई थी। ओ, जुम्चा, अच्छा जुम्चा। जुलाले हब जम्तिया। यवे, यवे। जुम्जो, जुम्जो, जुलाले, जुलाले। ये क्या बोल रहे हैं? ये इनका रिवाज है, आज देवी माता की पूजा है, ये उनको अर्पण किया हुआ प्रसाद स्वरूप है। पीने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं ये पीने के बाद बहुत मजा आएगा। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। अभी मैंने तुम्हें मारा इसलिए तुम गुस्सा हो गई ना? देखो अभी मैं क्या करता हूँ। कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले। मेरे जितने भी जानने वाले थे, पहचानने वाले रिश्तेदार थे, सबने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूं। लेकिन मैंने सोचा कि हमसे जो गलती हुई उस गलती की सजा तेजा को क्यों दूं? हमसे जो गलती हुई उसका जिम्मेदार तेजा तो नहीं है। अभी अभी जब हम मिले थे तब तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? लेकिन उस वक्त शिवानी के साथ तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी राज। तुमने कहा कि शिवानी की वजह से तुम एक जिम्मेदार इंसान बन गए और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे लिए शिवानी ही सब कुछ है और शिवानी भी तुम पे आस लगा के बैठी है। और तेजा का क्या होगा? तेजा और मैं तो यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे। राज, मैं एक सवाल तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चलता तब भी तुम शिवानी से शादी करते क्या? अगर ऐसा ही है राज, तो तेजा के सर की कसम खाकर बोलो कि तुम शिवानी से ही शादी करोगे और हम लोगों को भूल जाओगे। तेजा के भविष्य का क्या होगा ये सोचकर भी अगर तुम मेरे पास आओगे तब भी मैं तुम्हें हरगिज नहीं अपनाऊंगी। Oh, my God.
कसम क्यों ली मम्मी? शिवानी आंटी की बेटा, मैं तो तुम्हें जन्म देकर माँ बनी हूँ, लेकिन शिवानी आंटी तो कितने अनाथ बच्चों की माँ है। अगर तुम्हारे डैडी तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारी आंटी अकेली हो जाएंगी, और अगर तुम्हारी आंटी को कुछ हो गया तो तुम्हारे फ्रेंड्स रीमा, सतीश, अंजू, बुच्ची सब लोगों की माँ मर जाएंगी। अब ये बताओ बेटा, अंकल का हमारे साथ रहना अच्छा है या शिवानी आंटी के साथ? मम्मी, मम्मी। राज, क्या हो गया है तुम्हें? एक तरफ शिवानी बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुकी, और जब से मैं उससे मिला हूं वो मुझे ही अपना सब कुछ समझने लगी है, और दूसरी तरफ नंदिनी ने तेजा की कसम ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे और शिवानी को हमेशा एक साथ रहना। इसमें तू कर भी क्या सकता है, जब तूने तेजा की कसम ले ली है तो तुझे निभानी पड़ेगी। मुझसे अनजाने में एक गलती हुई थी, अब जानबूझकर एक और गलती नहीं करूंगा। मैं अभी जाकर शिवानी को सब बता दूंगा। राज, देखो मैंने तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाई है, देखा मैंने तुम्हें दिल से याद किया और तुम यहाँ आ गए। राज, मैं जब भी सोचती हूँ कि हमारी शादी के बाद हम यहाँ अकेले रहेंगे सब लोगों को छोड़कर, तो मुझ पर अजीब सा सुरूर छा जाता है। शिवानी, अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है और किसी कारणवश मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता तो तुम क्या करोगी? अगर मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूँ तो तुम क्या करोगे? शिवानी, ये क्या पागलपन है? मैं तो तुमसे बस यूं ही मजाक कर रहा था। फिर कभी मजाक में भी मुझसे ऐसी बातें मत करना, क्योंकि ऊपर तथास्तु कहने वाले भगवान रहते हैं। I love you, Raj. I really love you. तू शिवानी से प्यार करता था, वो किसी और से शादी कर रही है और तू मिलने जा रहा है उससे? अभी शादी हुई नहीं, अभी शादी होनी बाकी है, अभी उसको तैयार किया जाएगा, बहुत सारी रस्में बाकी हैं, इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शिवानी को मैं अपना बनाकर रहूंगा, मैंने शिवानी से प्यार किया है, मैं उसे। ये तो क्या बोल रहा है? जिसका प्यार कमजोर होता है उसे अपने आप पर शक होता है, मुझे नहीं है, मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा, मुझे अपने प्यार पर विश्वास है। विश मिलक। आंटी, तेजा बगे नाश्ता किए चला गया, आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। नंदनी, राज ने एक कार भेजी थी तेजा के लिए, वो उसी के पास गया है। पसंद है, ये आपको कैसे पता? ये तुम्हें पसंद है मुझे नहीं पता था। ये मुझे पसंद है इसलिए लेकर आया। अंकल, मैं आ गया। क्या बात है अंकल, ऐसे क्यों बैठे हैं? मैं ये सोच रहा था कि तेजा अभी तक क्यों नहीं आया। मेरा प्यारा बेटा, चॉकलेट। थैंक यू। ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम। तेजा। तुम्हारे जो अंकल है ना, वो बचपन में बहुत शरारती थे, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये डेकोरेशन किया गया है। लेकिन अंकल तो अब बड़े हो गए हैं,
तो अब क्यों रखा है इन्हें? तुम्हारे अंकल की अब शादी होगी ना, तो उनके यहाँ भी तुम्हारे जैसा एक बच्चा आएगा। वो बच्चा इससे खेलेगा, तब तक तुम इससे खेलो। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा कौन है, तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आज पता चला कि राज अंकल ही मेरे पापा हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उन दोनों की शादी हो जाने दो, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हमारे पापा हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारे फ्रेंड्स अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ और खामोश भी नहीं रह पा रहा हूँ। इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। देखो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, वो लड़के वाले हैं और हमें उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वो लड़की वाले हैं और चुप रहेंगे, हम लड़के वाले हैं, हम क्यों चुप रहेंगे? सारा काम परफेक्शन से होना चाहिए। सर ये लीजिए। नो थैंक्स, यही है राइट चॉइस भैया। बाबा सोचा था शादी कलरफुल होगी, यहाँ तो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई कलर नहीं है। ए शाहरुख, उसके बगल में सलमान है। तुम्हारा ये मसल से देखकर मेरी आंख भर रही है। मेरा नाम सैगल बाबा है। मेरा नाम बाबा सैगल, व्हाट इज योर गुड नेम? मेरा नाम है दिलेर मेहंदी। मेहंदी दलेर, ये क्या हम चारों के देखने का एक ही स्टाइल है? साथ साथ है। राजश्री प्रोडक्शन है क्या? रामश्री प्रोडक्शन। शादी खत्म होने तक रहोगे या बीच में ही चले जाओगे? हम अभी जाएंगे। हमारी तरफ होने का, हमारी तरफ होने का, हमारी तरफ। इतनी देर से इन्वॉल्व हुए? अरे इन्वॉल्व तो हुआ, देर से ही सही। शिवानी, शिवानी बाद में, पहले मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ, कहाँ है वो? पहले हमें पैसे दो, हमें पार्टी में भी पैसे दो तुम। अच्छा चलो, थैंक यू, चलो 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 चलो। तेजा तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम अच्छी हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते तो इन सब बातों को याद करके अपनी मम्मी को क्यों तकलीफ देते? नहीं, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। हाय राज, मैं बंसी हूँ। मालूम है, कब आए? जस्ट अभी आया। सिगरेट नहीं छोड़ी? शिवानी के लिए ना। हाँ, शिवानी ने कहा था ना, दैट्स लाइक ए रियल लवर मैन। तुम्हारे बारे में वो भूतनी बोल रही थी, लेकिन मुझे लगा वो झूठ है। यू आर रियली हैंडसम मैन। तुम्हारा चेहरा देखकर लगा कि तुम कन्या राशि हो। तुम कन्या राशि हो ना? कन्या राशि ही तो है तो। अरे शिवानी तो तुला राशि है, सुना इनकी जोड़ी अच्छी नहीं होती। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक मैं अपनी भूतनी से मिलकर आता हूँ। ओके बाय। नंदिनी हो गया क्या? जस्ट वन मिनट यार। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारा जो जूड़ा है ना, वो बहुत अच्छा है शिवानी, वही देखकर हंस रहे हैं। जाओ आईने में देखो। हेलो, तुमने बांधा? हाँ मैंने। तुम तो बंसी, मैं रुको रुको, मैंने छोड़ दिया। देखो मुझे प्लीज अब आए ना लाइन पे,
आप अंकल को कितने दिनों से जानती हैं? बचपन से। और वो राज अंकल को? एक साल से। फिर आप इस अंकल से शादी करने के बजाय उस अंकल से शादी क्यों कर रही हैं? शाबाश, जो बात मैं नहीं पूछ सका वो तू पूछ रहा है, कट। देखो तेजा, सारे रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, है ना? ये अंकल है वो मेरे फ्रेंड हैं, और वो अंकल है वो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। ये पहले से ही लिख कर आया है। सब लोग कहते हैं कि इस दुनिया में तुम सबसे बड़े हो और ये सारे रिश्ते तुम बनाते हो, फिर मेरे मम्मी पापा को एक कर दो ना। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लेकिन तब तक के लिए ये चॉकलेट रख लो। वो देख उसका फेस कैसे पेट्रोल की तरह चमक रहा है। टिंगू तो एकदम ताजन के जैसा दिख रहा है, प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जी चाहता उस पर किताब लिखती। अगर वो तुम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो मैं डायरेक्ट उसको तुम्हारे पास भेजता हूँ। पसंद आया? और तुमको भी पसंद आया? हाँ, पसंद आ गया। तो तुम टेंशन मत लो, मैं उसको आउट हाउस के स्टोर रूम में भेजता हूँ, अच्छे से देख लेना। वैसे तुम भी बहुत मीठे हो। तुम लोग ज्यादा बातें मत करो, अब स्टोर रूम में जाओ। एक्सक्यूज मी। यस, और एक पेप्सी चाहिए क्या? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे पश्चाताप करना है। क्या कहा? मुझे माफ कर दो। मैं एक बात कहूँ? कह दो। लगता है तुम सुधर गए। मेरे साथ आओ, स्टोर रूम में कुछ दिखाना है तुम्हें। कहाँ? आओ दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये गया काम से। पता नहीं कहाँ चले जाते। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? अंदर है। अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर कौन सा काम है? नूनसो फिल्म देख रहा है। फिल्म देख रहे हैं? इस वक्त कौन सी फिल्म? एक्शन फिल्म है। अरे रुकना कहाँ जाता है, रुकना। अरे कहाँ जा रहा है? अरे सुन सुन, अरे भाग कर रहा है। अरे अंदर तो कपड़े पहन कर गया था। भैया अंदर क्या हुआ? अंदर की बात ना पूछो तो ही अच्छा है। मैं अंदर से बाहर जीते जी आ गया, वही काफी है। मेरे को क्या बोलता था? पेप्सी पिएगा पेप्सी। माफ कर दो, मेरी जो हालत अंदर हुई है ये किसी को मत बताना। ठीक है, इस चीट में जैसा लिखा है उसी तरह से आठ लोग जोड़ी बना करके बैठ जाओ, ठीक है? और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जिसके हाथ में ये बॉल होगी उसको ये बताना होगा कि अगर उससे भगवान पूछे कि तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ तो वो भगवान से क्या वरदान मांगेगा। रेडी? यस रेडी। ओके म्यूजिक। शिवानी तुम क्या मांगोगी? सुना है भगवान कभी पलके नहीं झपकाते, और मैं जब भी पलके झपकाती हूँ तो मैं राज को मिस करती हूँ। तो भगवान से ये वरदान मांगूंगी कि मैं पलके ना झपकाऊं। मैं बस यही वरदान भगवान से मांगना चाहती हूँ। बंसी तुम भी कुछ मांगो। I love you. Yes. Hey, मैं भगवान से मांगूंगा कि जब मैं किसी लड़की को प्रपोज करूं आई लव यू बोलूं तो वो भी लड़की पलट कर मुझे आई लव यू टू बोले। Wish me all the best. मैं आज तक जिंदगी में जिन हालातों से गुजरी हूँ उससे मुझे उभारा है तेजा के प्यार ने। हर जन्म में तुम्हें अपने बेटे के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी तो मेरे पास है, पर मेरे डैडी, मैं भगवान से मांगता हूँ कि वो मेरे डैडी मुझे वापस लौटा दें। जब मेरा बच्चा छोटा था तब इसके सर पर बाप का साया नहीं था, और उस वक्त मैं जिंदगी के जिन हालातों से होकर गुजरी हूँ तो मैं भगवान से यही मांगूंगी कि ऐसा वो किसी की जिंदगी में ना करे, क्योंकि वो जिंदगी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और राज तुम? अगर अनजाने में कभी मुझसे कोई गलती हो गई हो और मुझे कभी ये बात का पता चला कि मैंने गलती की है
तो मैंने जिसका भी दिल दुखाया हो वो मुझे माफ कर दे। He's too intelligent. तिरारा रे तिरारा तिरारा रे तिरारा। प्यास अभी बुझ तो नहीं, तुझको हम देख तो ले। आलम तो दिल का क्या कहे, बेचैनी सह तो ना सके। ओ प्यास अभी बुझ तो नहीं, तुझको हम देख तो ले। झोंका हवा का था, उसकी तो यादें साथ हैं। यादों के संग हम जी लिए, लगता है कल की बात है। ऊपर से दिखता नहीं, दिल में जो कहता नहीं, आवारा भटके जिंदगी। मन मंदिर में है देवी, करता हूँ पूजा रात दिन। अपने मुँह से मैं क्या कहूँ, मन में तू ही है रात दिन। क्या मांगूँ ईश्वर से, डरता हूँ अंदर से, किस्मत का लेखा न मिटे। कब क्या हो किसको पता, बोला हमें क्यों ये बता, है एक कहानी जिंदगी। प्यास अभी बुझ तो नहीं, जी भर के देख तो ले। आलम तो दिल का क्या कहे, प्यार से मांग रहे हो, बोलो क्या चाहिए? मुझे डैडी चाहिए। तुम्हारे डैडी तो अमेरिका में है ना बेटे? नहीं, वो यही है। यही? तेजा, यहाँ पर कहाँ? तेजा यहाँ आओ, चलो। नहीं मम्मी, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आंटी, मेरे डैडी राज अंकल है। शिवानी, नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना शिवानी।
रो क्यों रहे हो बेटा? शायद डैडी की याद आ गई होगी, है ना तेजा? आ जाओ। बेटी नंदिनी, आज शिवानी की राज के साथ शादी है, तेजा को तुम ले जाकर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ये तेजा ही तो आज शादी की रौनक बनेगा। अरे शिवानी, तुम्हारी सहेली नंदिनी कहीं जा रही है। तेजा जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, हमें निकलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नंदिनी, ये सडनली कहाँ जा रही हो तुम? रात को रेड क्रॉस से अर्जेंट फोन आया था, हमें जल्दी निकलना होगा। ऐसी क्या बात हो गई जो शादी छोड़ के जा रही हो? वो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगी, मुझे तो ड्यूटी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। आज अगर फ्लाइट मिस कर गई तो वो लोग मुझे सस्पेंड कर देंगे। नंदिनी, तुम मेरी शादी की पार्टी छोड़कर जा रही हो? मैं तुमसे फिर कभी पार्टी ले लूंगी, प्लीज अभी मुझे मत रोको। क्या नंदिनी बाहर जा रही है? हाँ राज, मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लो तुम बात करो, लो। हेलो। हेलो। आज के ही तो परमानेंट जॉब मुझे तुरंत मिल जाएगी, कितने दिनों तक टेम्पररी जॉब करके मैं गुजारा करूंगी बोलो? लेकिन तुम अकेले कैसे जियोगे? कैसे भी जी लूंगी, मेरी फिक्र छोड़ो। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। जर्किन, उसे जिस जगह पर होना चाहिए उसी जगह पर है। मालकिन, राजी से कहना कि वो अपने साथ तेजा को लेके एयरपोर्ट आ जाए, मैं वहीं इंतजार करूंगी। ठीक है मालकिन। ओके, थैंक यू। कैंसिल कर दिया मैडम, ये लीजिए आपका बोर्डिंग पास। नेक्स्ट।
अरे शिवानी, तुम बैठकर यहाँ पर तैयार हो, तब तक हम तुम्हारे हस्बैंड की क्लास लेकर आते हैं। अगर उन्हें ज्यादा छेड़ोगी तो मारूंगी। जब तुम ये झुमके पहनती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। राज के लिए मम्मी, जब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा कौन है, तो मैं ये सोचकर संतोष कर लेता था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आज मुझे पता चला कि राज अंकल ही मेरे डैडी है, तो मैं ये सब कुछ देख नहीं सका। शिवानी। राज। मम्मी, अब मुझे पता चल गया है कि राज अंकल मेरे डैडी है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। Really is a great lover. और राज अंकल को भी पता है कि मैं उनका बेटा हूँ, वो भी नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे डैडी अच्छे हैं तो वो तुम्हें जरूर मिलने आएंगे। पी लो। देखो तेजा, कितनी फनी स्टोरी है, पढ़ो पढ़ो। ट्रैवलिंग बाय तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ से चले जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पता है सारे प्रॉब्लम की जड़ तुम हो। तुम हमेशा से तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाई, इसीलिए आज ये तकलीफ झेल रही हो। वन साइडेड लव, हर जगह तो तुम मेरे पीछे आती नहीं, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, कंप्यूटर रूम में, यहां तक कि बस स्टॉप पर भी। तुम मेरे बारे में मन ही मन में कुछ और सोचती नहीं और जबान से कुछ और कहती रही। काश पहले कह दिया होता, प्यार जताने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। देर से ही सही पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन अब मैं उन सब गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। लेकिन अगर आज तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जितना दुख सहना था तुम सह चुके हो। मैं जानता हूँ कि शिवानी मुझे बहुत चाहती, लेकिन आज इस रिश्ते को खत्म होना ही होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ। एरिया की तरफ ही आ रहा है, जल्दी आओ। ए, ये एरिया मेरा है। तू नहीं बच सकता। Thank you.
पास आओ। सही किया भैया। Everything was very fine, auntie. I really enjoyed this country. Hello, Raj. Hello. Hi. Hi. हम लोग लेट हो रहे हैं। चलो बेटा जल्दी चलो। शिवानी। साक्षात लक्ष्मी लग रही हो, खुश रहो। नंदनी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। तेजा। अच्छा शिवानी चलती हूँ। नंदनी हाँ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। हैप्पी मैरिज लाइफ अंकल। बंसी, अपने प्यार में सफल नहीं हुई इस बात का दुख नहीं है, पर मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि एक बच्चे को उसका बाप मिल गया।